बिजनौर में स्कूल से घर आ रहे स्कूली बच्ची का अपहरण हो गया, जिसका एसपी ने निरीक्षण किया। मामले के खुलासे को लेकर एसपी ने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया। इटावा में जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में लापता महिला के परिजनों ने अनहोनी की आशंका के चलते एसएसपी से महिला की सकुशल बरामदगी की मांग उठाई है। साथ ही महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सितारगंज में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उद्यान योजना के नगर पालिका स्तरीय ट्रायल का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सितारगंज में संपन्न हुआ। विद्यालय में आयोजित चयन ट्रायल में करीब 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सितारगंज के नानकमता थाना क्षेत्र के एक युवक व युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते एक दूसरे समुदाय से शादी करने की जिद पकड़ ली, जिसके बाद दोनों ने एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने विवाह की आयु पूरी कर ली है, लेकिन प्रतिवादी उन्हें धमकियां दे रहे हैं, विवाह नहीं करने दे रहे, उन्होंने जान का खतरा बताया। मुस्लिम समुदाय की युवती के पिता ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन एसडीएम ने युवती के पिता की आपत्ति को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत खारिज कर दिया। किच्छा में जामरानी बांध प्रतिबंध, जिन परिवारों की भूमि बांध में आ रही है उन्हें पराग फार्म गडिया मार्ग किच्छा में भूमि दिए जाने के लिए चिन्हित की गई है, जिसका मंडलायुक्त दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने कहा कि जामरानी बांध में जिनकी भूमि घर आ रहे हैं, ऐसे 213 परिवारों को गडरिया बाग में प्रति परिवार 1 एकड़ कृषि भूमि और 200 वर्ग मीटर आवास के लिए जमीन दी जाएगी। ऋषिकेश में डीएम और एसएसपी के निर्देश पर मुनिग्रेती थाना पुलिस ने नगर पालिका के साथ मिलकर शहर से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने से शहर की सड़क काफी खुली खुली नजर आई। पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण नहीं किए जाने की भी लोगों को चेतावनी दी। यूपी के गोंडा में घर में सो रहे व्यक्ति के ऊपर अपराधियों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करके लहूलुहान कर दिया। आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युवक को ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक को रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के गांव सिकंदरपुर में अवैध कब्जे पर योगी बाबा का बुलडोजर चलाया गया। अब से कुछ दिन पहले गांव के लोगों ने शासन को अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी अभिषेक सिंह ने एसडीएम प्रशासन के द्वारा शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी को दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में गंग नहर भोपा कांवड़ मार्ग कांवड़ यात्रा को लेकर भोपा पुलिस रात में गश्त कर रही थी। क्षेत्र में लगे शिविर के भोपा सीओ रविशंकर मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और कांवड़ सेवा शिविर के जिम्मेदार लोगों को नियमों को फॉलो करने की भी हिदायत दी। हरदोई में एसपी नीरज जदौन की कड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया। पाली में तैनात दरोगा एचआर यादव हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया। श्रावस्ती में पढ़ाते समय छात्र को डांटना शिक्षक को भारी पड़ गया। स्कूल से घर जाते समय रास्ते में घात लगाए बैठे छात्र ने शिक्षक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद शिक्षक आईसीयू में भर्ती है। श्रावस्ती में डीएम अजीत द्विवेदी ने राजस्व प्रकरण निस्तारण में भारी कमी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की। सीमांकन से संबंधित राजस्व वाद लंबित पाए जाने पर 11 राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोका गया और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हरिद्वार से कांवड़ में 51 लीटर जल भरकर अपने गणतंत्र हादसे की ओर जा रहे कांवड़ियों को एक तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी और उसका जल खंडित हो गया। स्कूटी चलाने वाला व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है। कांवड़ियों का कहना है ये काफी समय से हमारा पीछा कर रहा था और इसने जानबूझकर हमारा जल खंडित किया है, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया।